हमने देखा ऋषि वशिष्ठ को कैसे भगवान ने अनूठा भोज कराया, फिर नारायण छवि के दर्शन कराए। इसके बाद सप्तऋषि कहते हैं शंकर भगवान से कि बहुत ही सरस कथा आप सुना रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न मन में है। ये प्रश्न हृदय की ज्वाला को बढ़ाता है। श्री राम के सारे कार्य वंदन योग्य, बहुत ही अच्छा लगता है पूरी रामायण सुन करके सब कुछ, लेकिन एक चीज से मन व्यथित है। सीता माता का त्याग किसी भी तरह से मन स्वीकार नहीं कर पाता। ठीक है, श्रद्धा से सब स्वीकार है, भगवान की लीला भगवान के सामने सिर झुकाना, पर तर्क से स्वीकार नहीं हो पाता। तो इसका कुछ आप हृदय की ज्वाला को शांत तो कीजिए, क्यों श्री राम ने त्याग किया माता सीता का? शंकर भगवान कहते हैं आपकी इस पीड़ा से मैं भी सहमत हूँ, बात सही है, लेकिन अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि अयोध्या में एक दिन जब सुबह की बात लिखी है, तुमको सुनाता हूँ सुनो ये बात प्रातः काल की, ये है कथा श्री राम के जीवन के एक भूचाल की। जब श्री राम के जीवन में भी भूचाल आया था, ये तब की बात है। राम जी राजा थे, और राजा भी ऐसे थे कि ये नहीं मंत्रियों पर और उन्हीं सब पर निर्भर होकर के निश्चिंत होकर राजमहल में रहते हों, वे स्वयं गुप्तचर बन के जाते थे, प्रजा का हाल देखते थे, सारी जानकारी लेते थे। एक दिन सुबह की बात है, गुप्तचर के वेश में राम जी अकेले घूम रहे थे अयोध्या में। एक धोबी का घर था, वो धोबी अपनी पत्नी धोबिल को मार रहा था, चली जा निकल जा यहाँ से, पता नहीं रात को कहाँ रह करके आई है, उल्टा सीधा बोल रहा था। धोबी ने कहा कि वर्षा ज्यादा हुई थी रात को, तो सांझ ढल पड़ी, मुझे वन में रहना पड़ा, इसलिए मैं नहीं आ पाई, अब सुबह आई हूँ। आप ऐसे गलत क्यों बोल रहे हो? आखिर ये राजा राम का राज्य है, उनका न्याय चलता है। ये बात जैसे ही राम जी ने सुनी तो थोड़ा सा ठिठके, भी अपनी कोई बात हो रही है। धोबी बोला, राजा राम के न्याय पर, उनके राज्य पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। वो क्या न्याय करेंगे, वो तो खुद दूसरे घर में रही हुई नारी को अपने घर में रख रहे हैं और राज सिंहासन पर बिठा कर रखा है। हिल गए राम जी ये बात सुनकर के। तो ये इतनी बड़ी बात अयोध्या में हो रही है, और वो भी महारानी सीता के लिए। क्या स्थिति राम जी के हृदय की हुई है? श्री राम के नेत्रों से गिरते अश्रु बिंदु दो यहाँ सुनकर चकित से रह गए, एक जड़ की भांति ही वहाँ संदेह सीता सी सती पर भी करेंगे सब, अगर धरणी भी फिर संकोच ना कर दे कहीं देने में घर, इतना तो अत्याचार है भगवान जग में ठीक ना, मेरा हृदय है रो उठा मुश्किल हुआ जग सींचना, इंसान की भगवान है इतनी प्रति, इंसान की भगवान है इतनी परीक्षा लो नहीं, हो जाऊं मैं भी दीन बंधु देखना असफल कहीं, हो जाऊं मैं भी दीन बंधु देखना असफल कहीं, देखना असफल कहीं। श्री राम का हृदय रो उठा, दो अश्रुबिंदु गिरे, हे प्रभु इतनी भी परीक्षा मत लो कहीं मैं भी असफल हो जाऊं, मेरे भी धैर्य की सीमाएं डिग जाएं। सीता जैसी सती पर भी अगर संदेह करेंगे लोग, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये धरती भी स्थान देने में संकोच करने लग जाए। व्यथित होकर आखिर राजमहल में आ गए, पूरा दिन परेशान थे। रात को वापस गुप्तचर को लेकर के निकले, उससे कहा कि तुम जाओ और
यहाँ के और नागरिकों की भी मन की बात मैं जानना चाहता हूँ, तो उनसे ये चर्चा चलाओ सीता की। राम जी छुप करके सारी बातें सुन रहे हैं, गुप्तचर आगे जाके बात बढ़ा रहा है। कहीं जहां बैठे हैं जैसे सभा लगा करके नागरिक बैठे होते हैं, वहां वो बात करने लगा कि वो सुबह धोबी ऐसा ऐसा कह रहा था महारानी सीता के लिए, कैसी गलत बात है। अब सब लोग बैठे हैं, कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में भी बोल रहे हैं, कोई कह रहा है कि सीता जैसी सती पर संदेह की तो बात ही नहीं उठती, कोई अर्थ ही नहीं है, और कोई कह रहा है कि चाहे जो भी हो अब सीधे को पिसना ही पड़ता है, कलंक तो लग ही गया आखिरकार। कोई कह रहा है दोषी है तो राम, दोषी है तो रावण, सीता माता का क्या दोष, या तो दोषी रावण है जो हर के लेके गया, दोषी है तो रावण जो कि लेके गया सीता को, दोषी है तो राम नादी रक्षा परिणीता को, सीता माता का क्या दोष। एक पुरुष लेकर के गया, एक पुरुष रक्षा नहीं कर पाया, नारी का क्या दोष। कोई कह रहा है कि चाहे जो भी हो कलंक तो लग ही गया, अब वो यहाँ अवध के सिंहासन पर बैठने के लायक तो नहीं है, योग्य तो नहीं है। और फिर भी अगर श्री राम अपने महाराज इस बात में आंखें मीच के रहेंगे तो वो न्याय क्या करेंगे। अगर इस तरह की कोई भी स्थितियां उनके सामने आएगी जिसमें नारी दोषी हो तो वो तो न्याय ही नहीं कर सकते, सब यही कहेंगे कि आप पहले अपने घर का तो करो सलटारा। राम जी सब कुछ सुन रहे, कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है, बात केवल उस धोबी तक की नहीं है, बात अयोध्या में सभी जगह की पता चल रही है। फिर कुछ गुप्तचर भी आक्रोश में आ गया राम जी के खिलाफ सुन करके, राम जी वापस मिला नहीं, आक्रोश से काम नहीं चलेगा, गुस्से से नहीं चलेगा, बदल थोड़ी सकते हैं जनमत को, व्यक्ति बदल तो नहीं सकता, सोच को तो नहीं बदला जा सकता, वापस आ जाओ। और कहा कि ठीक है अब ऐसी जगह चलो जहाँ महिलाएं हों, मैं उनकी भी मन की बात जानना चाहता हूँ। गुप्तचर ने हाथ जोड़े, चरण पकड़े, मुझे क्षमा करो, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भूपुत्री सीता जी के लिए ऐसी बातें सुन सकूं, और आपकी जो मन की इच्छा थी वो पूरी हो चुकी, आपने सुन ली, अब आप राजमहल पधारो, फिर भी आपकी अगर इच्छा है तो मैं जाके और सुन के आ जाऊंगा, और इस उपवन में कांटे ही कांटे हैं रघुवर, आप मत चुनो, आकर के सूचित सब करूं पर आप कुछ सुनिए नहीं, कांटे हैं इस उपवन में रघुवर आप तो चुनिए नहीं, आप मत चुनो, मैं चुन के ले आऊंगा और लाके आपको दे दूंगा, आप चलो राजमहल। राम जी कहते हैं मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि जो अपने विरुद्ध बातों को सहन ना कर सक, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जितने कांटे चुनोगे उतने लाके मेरी झोली में नहीं रखोगे, मतलब बीच में कुछ ना कुछ खा जाओगे, सारी बात मुझे नहीं पता चलेगी, ये तो मुझे खुद ही सुननी है, अब जो भी हो आघात लगेंगे तो सह लूंगा, बात तो सुनूंगा पूरी यहीं। महिलाएं जहां थी, महिलाएं पुरुष सभी जहां पर बैठे थे वहां जाके बात चलाई गुप्तचर ने। महारानी सीता पर भी आजकल लोग संदेह कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, रावण के यहाँ पर जो समय बिताया उसको लेकर के कुछ गलत बातें प्रचलित हो रही हैं। महिलाएं भी, एक महिला कोई पक्ष में बोल रही है, कोई विपक्ष में बोल रही है, कुछ भी हो नारी को सहन तो करना ही पड़ता है, नारी को सजग भी रहना ही चाहिए। कोई बोल रही है तू बड़ी धर्मात्मा है, ये तो भगवान की लीला है, किसी के साथ भी कुछ भी खेल हो जाए, अभी तेरे साथ ही कुछ हो जाए तो। एक तो ऐसी नारी सीता कि जो पति के साथ साथ 14 वर्ष वन में बिता रही, और तुम उस पर भी संदेह कर रहे हो, उसके भी पतिव्रत पर तुम अंगुली उठा रहे हो, तो कहां तुम्हारे तप त्याग तपस्या सब विफल हो जाएंगे। कोई नागरिक कह रहा है कि चाहे जो भी हो पर कलंक तो लग गया, अब ये तो, और जहां तक बात अग्नि परीक्षा की तो किसने देखी, सबने गुरु देखी, अभी अब सबके सामने कोई परीक्षा हो तो फिर भी बात समझ में आए। राम जी सब कुछ सुन रहे, बात हृदय विद्ध होता चला जा रहा है, आ गए सारी बातें सुन के कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में, आके चैन ही नहीं पड़ रहा, बड़े व्यथित इधर से उधर घूम रहे हैं। अगला दिन हुआ, अगले दिन भी बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा।
सीता जी को देखकर लग रहा है कि कुछ ना कुछ परेशानी है कहीं ना कहीं हृदय में थे, पर पूछा भी नहीं। राजा है, बहुत तरह की परेशानियां चलती होंगी मन में, राम जी से सहन नहीं हुआ। आखिर जाके सीता जी के पास ही जाके सारी बात सीधे सीधे बोल दी। देखिए क्या कह रहे हैं। गए सीता पास और बोलते हैं उनसे, चलो सीता नेह हुआ मुझे अब वन से, कोई ना किसी का यहाँ जग है असार, ये स्वार्थ पेटी का है सीते पूरा संसार। ये बोली सीता ये तो सदा सर्वदा का सत्य है, आज ही क्या हुआ जो ये याद आया तथ्य है। राम ने फिर क्या पूरी उनको बताई है, प्रजा ने ये जोड़ी अनुचित ठहराई है। बोली सीता जोड़ी नहीं सिया दोषी पाई है, प्रजा आप द्वारा नहीं मुझसे सताई है, इसलिए दोनों को ना मुझको ही जाना है, आपको संतान तथापि है। राम जी कह रहे हैं कि सीता अब संसार में रहने का मन नहीं है, मुझे वन से नेह हुआ है, चलो हम वन में ही चलकर रहेंगे, संसार में कोई किसी का नहीं है। सीता जी कहती हैं कि ये बात तो हमेशा से ही सत्य है, आज ही ऐसा तो क्या हुआ कि आज ही आपको ये बात सत्य लगने लगी है, क्या बात है खुल के बताओ। राम जी ने सारी बात खुल के बता दी कि प्रजा ने अपनी ये जोड़ी अनुचित ठहराई है। सीता जी कहती है जोड़ी अनुचित नहीं ठहराई है, गलत बात, सीता को दोषी पाया है, अब जाना यहाँ से हम दोनों को नहीं है, मुझे ही जाना है, क्योंकि प्रजा को आपको निभाना है। अगर आप वन में गए तो आपका कोई भी भाई ऐसा नहीं जो राजमहल में रहने वाला है, फिर अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा। और सच जानिए मैं यहाँ अब रह नहीं पाऊंगी, अब मुझे घुटन होगी, क्योंकि अब ये कलंकित जीवन मैं भी नहीं सह पाऊंगी, ये मेरे भी सम्मान के लिए ठीक नहीं है, तो आपका चलना उचित नहीं है और मेरा रहना उचित नहीं है, इसलिए मुझे तो जाना ही होगा। राम जी कहते हैं सीता इस बात को कोई त्याग नहीं समझेगा कि हमने त्याग किया है, इसे परित्याग का नाम मिलेगा। तुम जानती हो कि राम ने सीता का परित्याग कर दिया, और मेरे बलशाली हाथ सह पाएंगे इस बात को कि राम और सीता का परित्याग कर गए। देखिए राम जी जो कह रहे हैं, अरे राम में है कहां साहस जो त्याग दे, ऐसा हो तो धरा मेरा कर परित्याग दे, नभ मुझे अभी से ही छाया देना छोड़ दे, मेरी ओर आती वायु मुख ही ना मोड़ दे, मेघ मुझे जल देना कर अस्वीकार दे, मन की ये शांति का भी प्रभु तोड़ तार दे, एक हीरा मेरे पास उसे कैसे छोड़ दो, प्रीत है ये कैसे भला तोड़ दूं। सीता इतना साहस ही नहीं है मुझ में, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था जैसी बात तुम कर रही हो, मैंने यही सोचा है कि अपन साथ चलेंगे, ये परित्याग कहलाएगा, और एक अपराधी परिपाटी चली आएगी कि राम ने भी नारी का त्याग किया हम भी त्याग करेंगे। सीता जी कह रही है जिसको दोष देखना है वो तो हरि में भी दोष देख लेता है, अवगुणी देखने है तो सबको अपन समझा नहीं सकते, ये चीज संभव नहीं है, इसलिए उचित यही है कि अब आप मुझे जाने दें। और जहां तक मान अपमान की बात है, मेरे हिस्से में ये अपमान आया है, आपके हिस्से में अपेक्षा आया है, आपको भी सहना पड़ेगा, जैसा भी उचित जो कुछ भी होना है। अब जिसे आप बात कर रहे हैं परित्याग की, अगर आप मुझे भेजेंगे वो परित्याग कहलाएगा, आप साथ में जाएंगे तो उसे मुंह का छुपाना भी कहा जा सकता है कि मुंह छुपा के चले गए, इसलिए ये तो छोड़िए, अपने को वो करना है जो सबके हित में है, और सबके हित में यही है कि आप अयोध्या का राज्य संभालें, आपसे अच्छा कोई और राजा नहीं हो सकता, इसलिए आपको यहाँ का राज्य संभालना है, ये सबके लिए उचित है और मेरे लिए अब जाना उचित है, इसलिए आप भैया लक्ष्मण को आदेश देना, अगर साधारण शब्दों में कहोगे तो ठुकरा देंगे, बात मानेंगे नहीं, आदेश देके कहना कि कल मुझे वन में छोड़ें,
राम जी कहते हैं, कैसी बात कर रही हो, इस अवस्था में गर्भवती हो तुम, वन पथ क्या आसान है? मैं तुम्हारी कोई दूसरी व्यवस्था कर देता हूँ तुम्हारे रहने की, तुम वहां रहो। सीता जी मना करती है, दूसरी व्यवस्था नहीं। फिर नेह के नाते खींच कर ले आएंगे, आप भी रह नहीं पाओगे अगर आपको मालूम होगा, और फिर किसी को ये भी पता होगा कि मैं वहां रह रही हूँ, तो फिर मेरे लिए मेरा कलंक तो मेरे साथ ही रहेगा ना। अब तो ये सीता नाम भी छुपा कर ही रहना होगा मुझे, तो जहां कोई मुझे ना जानता हो कि मैं कौन हूं। जान अगर जान पहचान रही तो फिर वही बात है, फिर वही जीवन मेरे लिए, तो वही कलंकित जीवन, नहीं सहनूंगा। राम जी के पास कोई उपचार नहीं, कोई इलाज नहीं इसके अलावा सीता जी का सम्मान रखने का। और सीता जी की बात भी बहुत गहन है कि यदि हम सभी बस अपने सुख की सोचते रह जाएंगे तो आप जग कल्याण फिर कैसे भला कर पाएंगे। अपनों को तो त्याग करना ही पड़ेगा जगत के हित के लिए। राम जी को भी सहमत होना पड़ा और सीता जी को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। देखिए उनके अंदर का विश्वास, उनके अंदर की समझ, माता सीता है, साधारण नारी नहीं है वे। देखिए उनके उनके हृदय की झलक। जिसने दिया है जन्म जीवन की भी रक्षा वो करे, जिसको नहीं विश्वास उस पर इन सभी से वो डरे। जिसने अवध से धान जल मेरा उठा पल में लिया, आगे व्यवस्था कर रखी होगी न बुझने दे दिया। मेरे लिए वनवासियों भी वस्तु कोई ना नहीं, अभ्यास है ये जानते हैं आप वन को हूँ गई। थे आप फिर भी हर मुझे रावण था लंका ले गया, होनहार टलती है नहीं, अनुभव मिला मुझको नया, अनुभव मिला मुझको नया। हे नाथ मेरी चिंता मत कीजिए, वनवास मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है आप जानते हैं, और ये एक अनुभव और मुझे अच्छा मिला है कि आप थे तब भी रावण मुझे हर के ले गया था। होनहार नहीं टलती, तो होने दो जो होना है, अब जाने दो मुझे। राम जी विवश, उन्होंने फिर एकांत में लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, देख भाई मैं जो बोल रहा हूं इस बात को मान लेना बिना कोई प्रश्न किए, किसी भी तरह का तर्क वितर्क किए। लक्ष्मण जी कहते हैं, आज तक कोई बात टाली है आपकी जो आपको ऐसा कहना पड़ रहा है, कोई प्रश्न मत करना, कब नहीं मानी आपकी बात, आप बोलिए, निसंकोच कहिए। संकोच तो उनको पता है ना कि किस बात का है, मानेगा नहीं, अभी चिल्ला देगा ये उठ के, कहां से कह दूं सीधे सीधे। बोले लक्ष्मण, ये मेरा आदेश है कि तू कल सीता को लेकर यहां से और वन में छोड़ के आ जाना। लक्ष्मण जी तो गिर गए, क्या बोल क्या रहे हो आप, ये कहीं गलत तो नहीं सुन लिया मैंने, क्या अपराध क्या है ऐसा, मैं नहीं मानता आपकी बात, अभी बात दास की नहीं, अभी भाई की आ गई, अब बात अब ये नहीं है कि मैं सेवक बन के हाथ जोड़ के आपकी बात मान लूं, अभी तो यहाँ पे भाई की राय सामने आएगी, अपना मत भी तो रखूंगा। ये बात सेवक मात्र की ही है, नहीं रघुराय है, ज्यादा जरूरी है अभी भ्राता लखन की राय है। अभी भाई लखन की भी बात, उसके मन की बात भी पूछना जरूरी है, भाभी है मेरी वो, ऐसा नहीं कि आप ही अपने हो, वो भी मेरी पूरी अपनी है। इस अवस्था में और ऐसा निर्णय, ऐसी तो कौन सी विवशता आ गई है, कौन सी ऐसी विवशता है कि निर्णय ये किया, मैं छोड़ कर आऊं नहीं, लोशीश अपना रख दिया, लोशीश रख दिया, काटना है तो काट दो, नहीं छोड़ के आता, बताओ मुझे क्या कारण है। श्री राम कहते हैं कि भाई तेरी भाभी रावण के घर रह कर आई है, प्रजा ने अंगुली उठाई है, इससे ज्यादा क्या बोलूं बता दे मुझे, उसका सम्मान रखने का मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ तो ठीक है, चलते हैं अपन सबके सब वन में, आपका भी क्या काम है फिर यहाँ पर, तो यही तो दिक्कत है। सीता जी ने तो पहले ही कहा था, आपका एक भी भाई ऐसा नहीं है जो भावनाओं में नहीं बहे, आप वन को जाओगे तो अयोध्या में कोई रहने वाला नहीं है।
राम जी ने सारी बात समझाई, जगत हित समझाया, फिर आदेश देकर के लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में, अगर ये राम राज्य नहीं होता तो उलट के रख देता पृथ्वी को, भैया का राज्य ये भी नहीं कर सकता। अगले दिन बड़े भारी मन से सीता जी को लेकर के चले हैं। सीता जी देखिए, सुख सुविधा को भाग्य विधाता श्री को भी तरसाए, विधि के आगे किसकी चलती सबको नाच नचाए। तीनों लोक की संपद दात्री खाली हाथ चली है, वो जो राजा जनक के घर की कोमल एक कली है। सारे बंधन तोड़ के चल दी जैसे हो सन्यासी, सारे बंधन तोड़ के चल दी जैसे हो सन्यासी। सबकी खुशियां बांट चली है रह कर आप उदासी, सबको खुशियां बांट चली है रह कर आप उदासी। ये सीता माता हैं हमारे जीवन में, जब हम पर कुछ कष्ट आते हैं किसी भी तरह के, वही बहुत तरह के कष्ट, बीमारी, घरवा घर परिवार में किसी को कोई दिक्कत हो जाए, जितने भी तरह के कष्ट हैं, तो व्यथित हो जाते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं। अरे देखें तो सही, ये सीता माता हैं। सीता माता जैसी सती नारी, इतना पवित्र हृदय मिलना मुश्किल, मुश्किल क्या, असंभव। माता सीता है, स्वयं लक्ष्मी है, नारायण की अर्धांगिनी है, यहाँ धरती पर भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, जनक जी की पुत्री है, पुत्री भी कैसी की जो धरती में से उत्पन्न हुई है, इतनी दिव्य कन्या, जनक जी की पुत्री, दशरथ जी की पुत्र वधु, दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, जिनको इंद्र भी आधा सिंहासन देते हैं, देवराज इंद्र भी, और राम जी जैसे पति, इसके बाद भी इतने कष्ट कलंक। तो फिर अगर हमारे और आपके जीवन में किसी भी तरह के एक के बाद एक कष्ट आते भी चले जाए तो क्या ही बड़ी बात है, इन सब चीजों से सहन करने की शक्ति बढ़ती है। खुद सीता जी और राम जी ने जब इतने कष्ट सहे हैं तो फिर अपन कहां कहां किसी गिनती में है। और ऐसा नहीं कि कहीं कोई अधर्म वाली बात है, पूरा पवित्र हृदय है। सीता जी चली, तीनों लोक की संपद दात्री खाली हाथ चली है। वन में जब लक्ष्मण जी छोड़ करके आ गए, वहां वाल्मीकि जी उनका सहारा हुए, ऋषि वाल्मीकि जी। क्या भक्ति की तो क्या अवस्था पाई कि उनके आराध्य की भार्या स्वयं उनके आश्रम पर रहने आई है, माता स्वयं रहने आई है, और उन्हें आश्रय देने जैसा इतना बड़ा सौभाग्य मिला, ऐसा गर्व, कितने गर्व की बात है।